वेलकम फ्रेंड्स, तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार। जी बिल्कुल, अगर आप हार जाते हैं तो हारना बुरी बात नहीं है, हार करके फिर से कोशिश न करना बुरी बात होती है। और इन्हीं बातों के साथ आज हम आपका अगला टॉपिक लेकर के आगे बढ़ते हैं, जीरो लेवल बेसिक मैथ में। यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल जो आपकी हर एक दुख दर्द और प्रॉब्लम को समझता है। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों को स्किप कर देते हैं, और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमने स्टार्ट किया कक्षा एक से मैथ, हासिल वाला जोड़ घटाना गुणा भाग से लेकर के, और आज आप लोगों की संख्या 1,00,000 के आसपास पहुंचने वाली है, जिसे देखकर काफ़ी खुशी होती है। और ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत से लोग इस बीमारी से परेशान हैं, और इस बीमारी का हम गारंटी के साथ इलाज करते हैं। अगर आपको मैथ नहीं आती है, आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, तो संपूर्ण गारंटी के साथ आपकी इस बीमारी का इलाज किया जाता है। बीमारी मतलब जो आपको मैथ नहीं आती, मैथ से आपको डर लगता है, मैथ आपको बहुत कठिन लगता है, इन सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, एक डेमो आप देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए सब कुछ कि हाँ क्या कैसे होगा। देखिए, ये आपको आपके बुक में मिल जाएगा कक्षा 7 में, एक्सरसाइज 2 का ई है, जिसमें कुछ इक्वेशन आपके सामने दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं जो भी हैं। कह रहा है कि निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तथा संबंधित परगुणों को लिखिए। मतलब जो खाली जगह पर है उसको भरना है, और भरा आपने कैसे ये उसको समझाना भी है कि आपने किस तर्ज पर भरा, कैसे भरा, आपने समझा कैसे। देखिए, हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। इनका नाम तो हो सकता है आपको ना याद रहे, लेकिन कुछ ऐसा व्यवहारिक उदाहरण बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक बात अगर यहाँ पर आप गौर से देखें, 2/11 है, और उसके बगल में -3/7 है ना, लेकिन जो इक्वल का निशान लगा बीच में, मींस बराबर का। देखिए, थोड़ी सी समस्या है, ये वायर छोटा है जो हम ऐसे हाथ इधर उधर करते हैं, ये जल्दी ही आने वाला ऑर्डर हो गया है। तो अगली लाइन में देखिए, अगले स्टेप में जहाँ पर भरना है, उसके पहले ये नंबर देखो, यहाँ पे पूरा पूरा फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन सेम टू सेम इधर आया है ना। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर ये फ्रैक्शन इस पहले इधर साइड में जो है बाद में था, इधर पहले आ गया, यानी इनका क्रम चेंज हो रहा, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। आपको जो ये इधर बचे हैं ना साहब, ये 2/11, इन्हीं को ला करके चुपके से आप इधर लिख दो, बस हो गया। लेकिन इसमें हुआ क्या, कौन सा परगुण लगा? मैथ में परगुण बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये परगुण है सभी, जो भी आप करते हो जोड़ घटाना गुणा भाग, वो किसी नियम पर होता है, ऐसे नहीं जो मर्जी वैसे कर लो, ठीक ना। इसमें क्रम विनिमीय परगुण लगा। अब आपको ये क्रम विनिमीय परगुण बड़ा अड़बड़ लग रहा होगा, आपको याद नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, आप कभी नहीं भूलोगे। क्रम विनिमीय परगुण को कैसे याद करेंगे? जैसे आप मानते हैं कि लाइन में खड़े हैं, ठीक है, बैंक में आपने पैसे जमा करने के लिए लाइन लगाई या निकालने के लिए, इसको सब लोग जानते होंगे। या फिर आप छोटे हैं तो स्कूल में आप प्रेयर में लाइन लगाते हैं, है ना, लगाया ना, तो पहले आप आगे खड़े हैं, आपका फ्रेंड्स पीछे खड़ा है या कोई भी पीछे खड़ा है, ठीक ना, है ना। फिर एक समय ऐसा करिए आप कि उसको आगे कर दीजिए और आप खुद पीछे हो जाइए, तो क्या होगा, पैसा तो दोनों का जमा होगा, दोनों को उसका बेनिफिट मिलेगा जहाँ के लिए आप खड़े हो, लेकिन जो आगे रहेगा उसको पहले, जो पीछे रहेगा उसको बाद में। तो क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि उसमें कोई बदलाव ना करते हुए सिर्फ आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया जाए। हाँ भाई, ऐसा मत करना कि अगर प्रेयर हो रहा है तो आप आगे खड़े हो, आपका फ्रेंड पीछे है, तो ये ना करो कि आप अपने आगे जो है किसी दूसरे को ले आओ, अनजान तीसरे आदमी को, या फिर पीछे किसी और को लगा दो बीच में, ऐसा नहीं करना है, वो क्रम विनिमय नहीं कहलाएगा, उसका मतलब फिर तो वो अलग हो जाएगा। क्रम विनिमय का मतलब किसी का जो है क्या हो, केवल क्रम बदले, बाकी उससे मान पे कोई फर्क ना पड़े, इनमें मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करोगे वही आएगा, और इसको भी सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा। देखिए, साहचर्य प्रगुण को पढ़िए, साहचर्य प्रगुण क्या होता है, इसमें कैसे समझेंगे, भरेंगे क्या। साहचर्य का मतलब एक प्रकार से वैसे समझ लीजिए भाईचारे वाला नियम, भाईचारे वाला नियम, कैसे आप जानते हैं ना, कहते हैं ना जियो और जीने दो, तो इसको समझिए भाईचारे वाले को कैसे समझेंगे। जरा गौर से देखिए, -11/3 है, और फिर -2/3 और -3/-2, ये है ना। इधर हमें दिख क्या रहा है, इधर हमें ये दिख रहा है कि जो ये -11/3 बाहर थे, बाहर मतलब जैसे मानते हैं कि कोई रूम है, तो रूम के अंदर पहले तो ये दोनों लोग हैं, ठीक, ये दोनों हैं, ये बाहर है। उसके बाद फिर क्या हुआ,
अब अगले में देखिए, इधर आप देख पा रहे होंगे तो ये अंदर हो चुके हैं, मतलब कोष्ठक जो है बड़ा वाला उसके अंदर, और उसके और कौन है, ये 2/3 है ना, यहाँ से गायब कौन हो रहा है, यहाँ से ये 3/-2 जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ये गायब हो रहे हैं। तो ये कहाँ जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, बाहर मतलब इधर से ये यहाँ पे वेट करेंगे, समझ गए ना। तो ये कुल मिला करके क्या हुआ, इसको कोई इफेक्ट पड़ा इस पे नहीं ना, आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, वैसे भी दोनों स्थिति में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पर प्लस होगा, ये इनटू नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर भी प्लस होगा। नहीं तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसको बुक से क्या दिया गया है, एक मिनट रुकिएगा, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा था फिलहाल। जी देखिए, बिल्कुल ये मल्टीपल ही होगा, ठीक है, मल्टीपल ही होगा, क्योंकि ये साचर नियम है। बस कहने का ये मतलब है कि इसमें भी अगर आप गौर करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड हल करिए इक्वल ही आएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, साचर्य प्रगुण हो गया, एक तरह से भाईचारे वाला प्रगुण, अब आप समझ गए होंगे, इसको भूल नहीं सकते, है ना। और इसको अगर एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको बता दें तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, उस प्रोग्राम में दो दो लोगों को भाग लेना है, कितने कितने लोगों को, दो दो लोगों को भाग लेना है, तो तीन लोग हैं तो क्या करेंगे भाई, तीनों को पार्टिसिपेट करना है, तो पहले दो दो लोग की जोड़ी बनेगी, एक खाली रहेगा, फिर जो खाली था वो किसी के साथ मतलब प्रोग्राम में शामिल होगा, और एक और दूसरा खाली रहेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये है। और अगर आगे चलें, अगला आप देख रहे होंगे तो वो कौन सा है, वितरण प्रगुण, वितरण मतलब आप जानते हैं, मिल बांट कर खाओ, है ना, मतलब बराबर बराबर। तो इसमें देखिए वितरण में कैसे होता है, ये कोष्ठक के अंदर जो है यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है, क्या लगा है यहाँ पर, प्लस लगा है। तो एक प्रकार से ऐसे समझिए कि जैसे मानते हैं कि एक कमरा है या एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, आपने स्कूल में लगाया लाइन, और अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो स्कूल में क्या होता है, लड्डू बंटता है ना, तो लाइन तो बड़ी सी होती है, बांटता उसमें कोई एक है, तो क्या करेंगे, एक एक लोग को बांटते जाएंगे ना, एक एक लोग को देंगे मतलब सभी को देंगे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बांट रहा है वही तो सभी को देगा ना, ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें बीच बीच में कोई दूसरे को देने लगेगा वो दूसरे को, ऐसा तो नहीं होगा ना, जो बांट रहा है वही सभी को देगा ना, बारी बारी से देगा ना। तो कैसे देखिएगा, पहले 5/7 है, ये -5/7, इसका मल्टीपल पहले इसमें करेंगे, ठीक ना, ये हो गया, ये देखो -5/7 का मल्टीपल 2/5 में हो गया, फिर क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें कर दिया अंदर में सब हो गया काम खत्म, एक लोग को दे दिया हो गया, जितने भी हैं सबको देंगे ना, तो कौन देगा, यही तो देगा ना, जो बांट रहा होगा वही देगा। कहने का मतलब -5/7 का मल्टीपल अगर इसमें हुआ तो इसी का मल्टीपल इसमें भी होगा, है ना, ये होता है वितरण प्रगुण। तो आप भरोगे क्या आगे, वही जो बचा हुआ है, देखिए देर चाहे जितना लग जाए लेकिन समझ में आने की पूरी गारंटी होगी। तो इसको आप लिख सकते हो -5/7 और इंटू क्या, ये जो दूसरा वाला बचा था -4/7, ये हो गया आपका वितरण प्रगुण। इसे अब आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक ना, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा, वैसे आप इसको हल करके देखिएगा, बिल्कुल बहुत मज़ेदार है ये, है ना। अगला चलें, अगला कह रहा है इसको बताइए कौन सा प्रगुण है, केवल गुणा का चिन्ह लगा बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्या होता है, गुणा का संवरक प्रगुण होता है, क्या होता है, गुणा का संवरक प्रगुण होता है, जिसमें आप डायरेक्ट गुणा कर देते हो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं रहता है। तो इसे अगर आप हल करोगे तो कितना आएगा, देखिए इसे आप 5 से काट दोगे तो ये 5 2 जा 10 और 5 7 जा हो जाएगा, इसे 12 से काटोगे 12 1 जा और ये 12 4 जा, मतलब ये -4 कुल मिला करके हो गया। और देखिए इसमें भी माइनस था कहीं, क्या ये -12 था, है ना जी, क्या था ये, -12 था। तो ये कुल मिला करके फाइनल में जब आप हल कर लोगे तो 7 4 28, ये 2 से भी कट जाएगा, अब एक माइनस यहाँ नीचे आ जाएगा 2 में, एक माइनस यहाँ आ जाएगा, कहने का मतलब ये 1 में माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फाइनल में जब इसे आप हल करोगे तो ये आएगा 1/14, कितना आया 1/14। तो इस तरह से देखिए ये कंप्लीट हो गया, है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
अब आगे देखिए, इसके आगे हम आपको दिखाते हैं इसके आगे क्या है इसमें, देखते रहिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा पीवीआर स्टडी इलाहाबाद को, और हाँ लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसके आगे का हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पीवीआर स्टडी को अवश्य फॉलो करें और लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद, पीवीआर स्टडी ग्रुप और मैथ आसान है, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का टॉपिक देखते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा पूरे का पूरा टाइम, और छोड़ के मत जाइएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताइए इसको कैसे करेंगे। इसको हमें सिंपलीफाई करना है। देखिए इसमें बहुत झाल है, झाल मतलब जानते हैं, बहुत झंझट है इसमें, हिंदी भाषा देसी भाषा में बोलते हैं झाल, ठीक ना। मतलब कहने का ये है कि इसमें देखिए बहुत सारे माइनस भी लगे हैं, कहीं इधर लगा है, कहीं उधर लगा है, कांटों की तरह चुभ रहे हैं, कहीं इधर लगा कहीं उधर लगा है, ये सब देख करके आपको काफ़ी डर लगता है ना। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ गुड़ा पे चिन्ह लगा है, माइनस भी है, फिर गुड़ा है, फिर माइनस है, इधर भी गुड़ा है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये जितने भी जानते हैं ना, देखने में जो जितना खतरनाक होता है उतना ही आसान होता है। तो इसको कैसे करोगे आप, इसका आंसर आएगा माइनस टू। इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, पहले आप इसको चिन्ह का हिसाब कर लीजिए जिससे बहुत बड़ा डर लग रहा है, उसके बाद आगे करिएगा कुछ भी। तो चिन्ह का हिसाब में आप क्या करोगे, ये माइनस थ्री था तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसको हम शार्ट में अगर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो शार्ट में कर लेते हैं। देखो भाई शार्ट में कैसे करोगे, आप एक काम करो, तीन को काट दो, तीन एक कम तीन, और ये माइनस वन आएगा क्योंकि माइनस थ्री था, है ना। इसको काटोगे तो थ्री थ्री जा नाइन, नाइन कट के थ्री आ गया, इतना क्लियर है। क्योंकि ये देखो कुछ नहीं तो ये ऊपर है हर में, क्या है ये अंश में, सॉरी ये अंश में है, न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में था नाइन इसलिए कट गया। ये ऐसा मत करिएगा, मल्टीपल है तो ऊपर ऊपर काट दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक। आगे देखिए, हर जगह मल्टीपल लगा है, हर जगह मल्टीपल लगा है, तो आप एक ऊपर वाला लो, एक नीचे वाला, कुछ भी काट सकते हो किसी के साथ भी। तो सिक्स को काट दो, सिक्स वन जा सिक्स, और ये सिक्स टू थ्री जा क्या होगा एट्टीन, कितना होगा सिक्स थ्री जा एट्टीन, मतलब कुल मिलाकर के फाइनल में ऊपर थ्री आ गया, ये माइनस वन आ गया, अभी और भी कट रहा है। फाइव को काट दो फाइव से, तो फाइव वन जा फाइव, माइनस वन आएगा क्योंकि माइनस पहले से लगा था, इनकी ये प्रॉपर्टी है, तो वो चिन्ह वैसे ही रहेगा। फाइव से आप टेन को काटोगे टू आएगा, लेकिन टेन माइनस में, इसलिए क्या होगा ये भी माइनस में ही रहेगा। सेम वैसे जैसे अगर किसी के पिता के ऊपर कर्जा है तो पिता के जाने के बाद वो कर्जा उसके बेटे के ऊपर हो जाता है, वारिस के ऊपर, है ना। तो वैसे क्या है, ये पहले से कर्जा था, कटने के बाद जो इसका एक नया रूप आया वो भी कर्जे में ही रहेगा, माइनस में ही, समझ गए ना। तो इन बातों को याद रखिएगा। देखिए अभी कुछ और भी कट पिट रहा है, हाँ कट पिट रहा है, क्योंकि लड़ाई होती ना तो अंतिम दम तक होती है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तभी लड़ाई ख़त्म होती है। अभी देखो यहाँ थ्री है, ऊपर भी एक थ्री आ गया था, ये भी कट गया, ये वन आ गया, सभी का काम हो गया ख़त्म, एकदम हो गए खलास, है ना, क्लियर। कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा। देखिए आगे, अब आपको बहुत ही सावधानी के साथ इनको चुपचाप लिख लेना है, बाकी कुछ नहीं करना, बहुत सावधानी के साथ लिखना है। देखो ऊपर माइनस एक आया था, माइनस एक लिख लिया, नीचे एक आया था, एक लिख लिया, ठीक। मल्टीपल था, ये माइनस टू था, इसको लिख लिया चुपचाप, नीचे वन आया था, वन लिख लिया, क्लियर। ये मल्टीपल लगा दिया, और ये वाला नहीं लगाया अभी, क्योंकि इसको लिखा है, ये मल्टीपल लगाया, फिर इसका जो बचा इसको लिखा, अब ये मल्टीपल लगाओ। इस पर क्या बचा था, ऊपर वन बचा है, नीचे माइनस वन, मल्टीपल। देखो ध्यान से देखना, ये माइनस में थे और ये भी माइनस में है, चाहे तो लिख लो एक बार अपनी संतुष्टि के लिए, हो गया। ऊपर नीचे दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखिए गौर करिएगा, सभी का मल्टीपल कर लो, बस अब कुछ ना करो। ऊपर माइनस टू है, बाकी सब वन वन है, तो मल्टीपल करोगे तो कुल मिला करके टू आएगा। चिन्ह किस में आएगा, चिन्ह देखिए, एक्चुअली जो चिन्ह होगा वो किस में आएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में आएगा, ठीक। नीचे सारा मल्टीपल करोगे, ये माइनस वन है और ये सब प्लस है, तो एक माइनस इसलिए माइनस वन आएगा। ये कुल मिला करके आपका आ गया दो बटा माइनस एक, है ना। लेकिन नीचे कभी माइनस लगा के लिखते नहीं हैं, और जब माइनस वन से टू में भाग करोगे तो ये कुल मिला करके माइनस दो हो जाएगा, और ये आपका हो गया राइट आंसर। देखिए समझाने में थोड़ा देर भले लग सकता है, लेकिन आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी लेते हैं। आप अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। आप लोग एक सुझाव दीजिएगा, देखिए आज आप ये लाइव नहीं देख पा रहे हो, है ना, ये प्राइमर वीडियो हो रहा है। एक्चुअली कल जो है हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ थी, जुकाम बुखार, कुछ सर्दी जुकाम हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा आज ये लाइव शाम को 7 बजे नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको वीडियो को प्रीमियर किया जा रहा है रिकॉर्ड करके, तो ये दोपहर के टाइम में रिकॉर्ड हो जा रहा है, ठीक ना।
आप लोग ये विचार अपना बताइएगा कि जब आप लाइव देखते हो तो इतना अच्छा क्वालिटी नहीं दिखता जितना आज दिख रहा है ना, कभी नहीं दिखता है, लेकिन आपसे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो पाता है, जो आप लोग बोलते हो उसको हम पढ़ते हैं और बोलते हैं, और आप लोगों का नाम भी लिया जाता है, मज़ा भी आता है ना, लेकिन क्वालिटी थोड़ा कम रहती है। लेकिन इस वीडियो में जो है हम किसी का नाम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, कोई बकैती कोई बकवास नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही है, और आपका जो वीडियो है लाइव सेशन है वो एकदम क्लियर दिख रहा है, HD क्या फुल HD में दिख रहा है। तो ये बताइएगा आपको कौन सी क्लास जो है ज़्यादा बेटर लगती है, लाइव या वीडियो, जल्दी से आप लिख के कमेंट जरूर करिएगा, LIVE लाइव या वीडियो कमेंट जरूर करना, ठीक ना, हमारा इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट देखने के लिए। तो ये कमेंट आप अवश्य करिएगा जब ये लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा तब, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा जो ऊपर दिया गया है आपके सुझावों को। उसके बाद हम अगला सवाल पे चलते हैं जो कि आपके सामने ही दिया गया है। देखो भाई, दोनों सवाल एक साथ लिखे गए थे, गौर से देखिएगा, क्लास को छोड़ के ना जाइएगा, समझ में आने की पूरी जिम्मेदारी होगी। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। इसमें देखो सबसे पहले देखते ही इनको माइनस माइनस प्लस कर दो, इनका सारा झंझट हो जाए ख़त्म। ये इसमें मल्टीपल होगा, ऊपर माइनस है ये नीचे है, तो यहाँ से भी आप माइनस माइनस क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर 4 का 6 में गुणा हो जाएगा तो ये इसके साथ खुद ही ऊपर आ जाएगा, है ना, अरे ऐसे बन जाएगा 24/-5, तो आप प्लस करोगे वैसे भी, तो वैसे पहले ही से ही कर दो, है ना, बस सिंपल सी बात है। उसी तरह से जैसे आप जानते हो कि अगर आपके दरवाजे तक बाढ़ का पानी आ गया तो आपके अंदर तो घुसेगा ही, इससे पहले आप खुद ही निकल जाओ। तो ये सब इधर उधर की बातें हम क्यों बोलते हैं आपके लिए, इसीलिए बोलते हैं जिससे आपको व्यवहारिक रूप में याद हो जाए। चलो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर भी मल्टीपल है, यहाँ पर भी मल्टीपल है, बीच में अगर हर जगह मल्टीपल है तो आप स्वतंत्र हो, किसी से भी किसी को काट सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आप नीचे नीचे कोई संख्या नहीं काट सकते हो, ना ऊपर ऊपर काट सकते हो। एक संख्या नीचे की हो, एक ऊपर की हो, ये ज़रूरी नहीं कि उसी के जस्ट सीधे का हो। मान लो 5 है तो 5 से ज़रूरी नहीं कि आप 6 को काटो, आप इस 5 से 4 को भी काट सकते हो अगर कटे तो, आप इस 5 से इस 3 को भी काट सकते हो, मतलब किसी से भी किसी को काट सकते हो। तो इसलिए आप इसमें क्या कर सकते हो, ये 3 को काट दो, 3 1 जा 3, और ये 3 3 जा 9। उसके बाद अगला अगर आप देखिए तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, इस 4 से और इसको आप काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 5, है ना, कितनी बार गया ये 5। उसके आगे देखिए, आगे क्या है, आप इस 3 से काट सकते हो, 3 1 जा 3, और ये 3 2 जा 6, कट गया ना। अब जो बचा सब लिख लीजिए एकदम सावधानी के साथ। ऊपर देखिए 1 से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, वैसे का वैसे है, इसको 1 वैसे लिख लो। नीचे फाइनल में 1 आया था, इसको लिख लिया। बीच में मल्टीपल था ये, इसको ऐसे लगा दिया। यहाँ पे लास्ट में 1 आया था, सब फाइनल में 1 लिख लिया। नीचे देखो यहाँ 5 आया था, इसको लिख लिया चुपचाप, कोई चिन्ह वगैरह का झंझट नहीं, सब ख़त्म। यहाँ पे मल्टीपल था, ये लगा दो। ये देखिए 4 कट गया था, कटने के बाद 1 आया था एकदम स्वतंत्र अवस्था में, फिर इनटू ये देखिए 5 नीचे बचा है चुपचाप, ये इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ऊपर 2 बचा है, तो ये हो गया 2 और ये 5, कहीं कोई चिन्ह का झंझट नहीं है। देखिए इसको हमने आपको दिखाने के लिए खींचा था, माइनस नहीं है, तो बस आ गया आपका उत्तर। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, किसी को झंझट लग रहा हो तो वो छिपा दो एक, अब तो भिन्न में हो गया ना, ऊपर का ऊपर गुणा कर लो, नीचे का नीचे, 2/25 आ गया। ये समझ में आने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और आपके कॉन्फिडेंस और आप लोगों के जो फीडबैक देते हैं उसके आधार पर हम बोलते हैं कि 100% गारंटी के साथ मैथ सिखाया जाता है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, किसी को भी मैथ नहीं आता आपके आसपास में, हर किसी को बताएं। PVR स्टडी का उद्देश्य इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जिनको भी मैथ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है मैथ में, वो मैथ सीख सकते हैं, क्योंकि मैथ बहुत आसान है ना। तो और इसी के जो नतीजा है, आप देख रहे होंगे इंडिया में ही नहीं, सऊदी अरब, UK और कनाडा, अफगानिस्तान, जो इंडियन हैं कुछ किसी भी काम से या व्यवसाय के उद्देश्य से गए हुए हैं, वो वहाँ पर मैथ सीखते हैं। बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो दूसरे कंट्री में रहते हैं। तो ये कितना आसान तरीका था ना। अगला सवाल भी हम आपको बता दें अगर आप लोग बोले तो, लेकिन ये क्लास जो है काफ़ी आगे हो जाएगी और कुछ दिन चलाना भी है, तो इसके आगे अब इसके हम जो है आगे नहीं करने वाले इसमें, और फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको चलते चलते कुछ जानकारी बता दें, अगर आपने अभी तक PVRstudy.com को नहीं देखा तो एक बार अवश्य विजिट करिएगा,
हो सकता है जब आप विजिट करें ये कुछ अपडेट में चल रही है तो दिक्कत हो, लेकिन जल्दी ही अपडेट पूरा होने के बाद पीवीआर स्टडी आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे, करंट अफेयर, जीके, जीएस और अन्य सभी स्टडी मटेरियल को बिल्कुल फ्री में पा सकोगे। तो एक बार अवश्य विजिट करिएगा pbrstudy.com। इसके अलावा फेसबुक आप यूज करते होंगे, वहाँ पर बहुत सारी चैटिंग मौज मस्ती होती है, जो भी होता है न्यूज़ भी मिलता है, वहीं पे आप पढ़ाई भी कर सकते हो। हो सकता है आप इस वीडियो को फेसबुक पर ही देख रहे हो इस टाइम पे, है ना, तो आप सर्च करिएगा जहाँ पर फ्रेंड सर्च करते हैं पीबीआर स्टडी, तो पीबीआर स्टडी का पेज मिल जाएगा, उसको लाइक करिएगा और फॉलो कर दीजिएगा, फिर आपको ये सारे क्लास फेसबुक पर मिलेंगे, वहाँ पे आपको लाइव भी मिलेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक दी गई है, आप हमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन JLM लिखकर भेजें, जिससे कि आप डेली क्लास कर पाएँ। किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं कुछ बताए गए निश्चित टाइम और टर्म एंड कंडीशन के साथ में, तो आप लोग अपनी किसी भी समस्या को पढ़ाई से संबंधित, बेसिक मैथ से रिलेटेड बता सकते हैं इस पर फ़ोन कॉल करके, जिसमें आपका टाइम होगा सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक, ठीक है, कॉल का टाइम। व्हाट्सएप आप 24 घंटे कर सकते हो, जो कि नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करें, कॉल ना करें व्हाट्सएप पर भी, और मैसेज करने के बाद वेट करें, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो आप लोगों को एक तरफ से रिप्लाई मिलता है एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जिसका मैसेज पहले आता है उसको पहले रिप्लाई मिलता है, जिसका बाद में आता है उसको बाद में। आप अगर व्हाट्सएप पर कोई संकोच कर रहे हैं तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com पर। तो आज के लिए बस इतना ही, एक नई उम्मीद के साथ एक नई क्लास फिर से होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहें और दिखाते रहें पीवीआर स्टडी। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को जो आप लोगों ने इतना देर तक हमें सुना और देखा, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। चलते चलते अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करना भूल गए तो ऐसी भूल बिल्कुल मत करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।